अच्छा ट्रेलर था, क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? आप एक पिता का रोल भी प्ले कर रहे हो, यूनियन लीडर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। ये बहुत ही कठिन किरदार था निभाने के लिए, और चूंकि एक मिल वर्कर की कहानी है तो इसके लिए जैसा कि मैं इस वक्त दिख रहा हूँ तो वो नहीं चलता, लेकिन हमने काफ़ी रिसर्च किया और संजय जी ने काफ़ी हेल्प की ये किरदार निभाने के लिए, और अब आप देखिए फिल्म कैसा। अच्छा, यूनियन लीडर का किरदार जो होता है नेता की तरफ होता है, जो नेता को जनता को साथ में लेके जाता है, तो कितना बड़ा दिक्कत है जनता को साथ में लेके? नहीं, ये नेतागिरी इसमें बिल्कुल ही नहीं है, इनफैक्ट पर्सनल स्टोरी है, एक आम आदमी की कहानी है जो कि एक मिल में काम करता है, और चूंकि उस मिल की जो ऑलरेडी जो यूनियन है उधर, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है या वो मज़दूरों का ख्याल नहीं रखते, तो एक आम आदमी को सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए आगे उठ के कदम बढ़ाना पड़ता है, और उस वजह से वो मिल का यूनियन लीडर बन जाता है। सर, ये क्या ट्रू इंसिडेंट में है फिल्म, कोई गुजरात की मिल की कहानी है कुछ आप बता? ये संजय जी बोल सकते हैं। या सो आई लाइक टू यूज वर्ड केमिकल प्लांट्स, नॉट मिल, बट एनीवे, या आई मीन स्टोरी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम मोर देन वन स्टोरीज, एंड डेफिनेटली देयर वाज अ इंसिडेंट एट कंपनी कॉल्ड हेमा केमिकल्स इन बड़ोड़ा। That particular chemical plant, I think 9 or 10 workers died around year 2000 because of exposure to chromium sulfate. So that was one of the stories that inspired us to make Union Leader, absolutely. तो सर, आपको लगता है गुजरात में इस तरह के बहुत सारे laws implement नहीं किए जाते वहाँ पे mills में, in chemical factories? So what has happened is, when it comes to rules and regulations and laws ki baat kar rahe ho, I think India has all kinds of rules and regulations. I think problem is implementation is very poor, and part of the problem is our corrupt system. So and that's what we are telling in our story as well. So laws are there, we have one of the best laws in the world, however implementation is very poor. जी हाँ, मतलब अच्छा लगता है जब आप मेहनत करके आपका काम आगे आ जाए और लोग आपकी प्रशंसा करें, और ख़ास तौर पे तो अगर आपके जो कलीग्स होते हैं या जहाँ आप काम करते हैं उस फील्ड के कुछ दिग्गज लोग आपकी तारीफ करें तो अच्छा लगता है। नहीं, काफ़ी लोग जिन्होंने भी देखा है अभी तक सबने तारीफ की है, और सबने प्रोत्साहन बढ़ाया है कि मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ, और सबको अच्छा लगा है। इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू पोर्ट्रे योर कैरेक्टर लाइक वी हैव सीन इन द ट्रेलर, एक एक बारीकी को सही किया गया, लाइक योर क्लोथ, योर टेक्सचर ऑफ सेइंग, योर डायलॉग, कितना टाइम लगा? लाइक रिसेंटली आपके जितने ही किरदार देखे हमने, ये ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतर उठ के आया आप में? ये हाँ, इसमें क्योंकि एक वर्कर मिल वर्कर की कहानी है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज पे और डायलॉग डिलीवरी पे बहुत हमने ध्यान दिया कि इसमें मैं टोटली जस्टिफाई कर पाऊँ उस किरदार को, तो उसमें काफ़ी मेहनत गई है, जो कि हर एक्टर करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा काम हुआ है। तो लगता है मेहनत सफल हुई है? अब सफलता तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सफलता उसमें होती है कि जब आप अपना काम करो और आपको ये लगे कि आपने अपना बेस्ट दिया था, कहीं आपने उसमें कोई कोताही नहीं भरती थी। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये फिल्म ऑलरेडी इतना अच्छा पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स में जा रही है, इस फिल्म को अपनी एक जगह मिल रही है फिल्मी दुनिया में, और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के बाहर भी सराहा जा रहा है इस तरीके की फिल्म को, तो मुझे लगता है कि मोर देन व्हाट वी हैड आस्क्ड फॉर। तो ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी प्रॉमिसिंग और चैलेंजिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो यूनियन लीडर पर जब आपके पास ये किरदार आया था, तो व्हाट वाज रिएक्शन, आपने किस तरह से अपने किरदार की तैयारी की? देखिए, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत कमर्शियल फिल्म नहीं है, और मुझे पता है कि ये ऐसी फिल्म नहीं है जो यू नो लोग
पॉपकॉर्न खाते हुए देखना चाहेंगे. ये ऐसी फिल्म है जो हमारी जो लाइफ है उसके बारे में बात करती है. तो कई बार ये होता है कि हाँ कमर्शियल काम करना ज़रूरी है ताकि लोग आपको देखें और आपको और काम मिले, पर कई बार अपनी पर्सनल क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसी फिल्में करना बहुत ज़रूरी है. और तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि सो अर्ली ऑन इन माई करियर वेर यू नो आई एम येट टू इस्टेब्लिश माई सेल्फ आई एम यू नो पीपल आर येट टू फाइंड आउट अबाउट मी मुझे ऐसा कोई फिल्म करने को मिल रही है. एंड द रीज़न आई लव द कैरेक्टर दैट आई वॉज गिवन इज़ क्योंकि शुरुआत में ये लड़की इसका एक ट्रांजिशन होता है क्योंकि शुरुआत में ये हॉस्पिटल में काम करती है और उसको पता है कि ब्लड टेस्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इसके बॉसेस ने ही इनको ऑर्डर किया हुआ है और इसके हाथों से ही वो ब्लड टेस्ट मैनिपुलेट होते हैं. तो कहीं ना कहीं उसको वो गिल्ट होने लग जाता है कि नहीं मैं लोगों की लाइफ के साथ खेल रही हूँ, मतलब मेरा पर्सनली ये डिसीजन ना भी होते हुए और लोग मुझसे करवा रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ. एंड समवेयर हाफ वे अक्रॉस द फिल्म शी हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट एंड शी डिसाइड्स कि नहीं शी कैन नो लॉन्गर गो एंड यू नो कंटिन्यू डूइंग दिस. सो शी एंड्स अप हेल्पिंग द लीड कैरेक्टर इन द फिल्म और वो ही इनफैक्ट जब लीड कैरेक्टर का एक वो डेड एंड आ जाता है कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे बैड गाइज को पिन करूँ, उस समय ये होता है कि ही कम्स टू मी एंड मैं ऑलमोस्ट मतलब उसका जॉब एट स्टेक है, उसकी ऑलमोस्ट लाइफ एट स्टेक है बिकॉज इस तरीके के लोग तो मरवा वगैरह भी देते हैं. तो इवन एट दैट स्टेक यू नो वैन दैट इनर वॉइस टेल्स यू दैट नो यू हैव टू डू द राइट थिंग शी फॉलोज दैट और वो ओरिजिनल ब्लड टेस्ट वगैरह यू नो स्नीक आउट ऑलमोस्ट स्मगल करके अपने हॉस्पिटल से इनको ला के दे देती है एंड दैट इज़ हाउ ही इज़ एबल टू पिन द बैड गाइज इन द फिल्म. सो माई कैरेक्टर इज द वन विच ब्रिंग्स दैट यू नो दैट हेल्प्स द लीड एक्टर लीड कैरेक्टर रीच द फाइनल स्टेज. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई गॉट दिस रोल. As you said earlier that you came from a Gujarati film industry, so coming in, do you think this is a good start from the Bollywood industry, like taking getting appreciation from the like all the international film festivals? It definitely is because see I'm an outsider, I don't have a godfather in this industry, I'm trying to completely make it on my own. So any good work that you've done or jisko agar international recognition bhi mil raha hai to at least it's a foot in the door, you know, matlab aap at least main approach kar sakti hu logon ko and keh sakte ho ki bhai aapne ye kaam kiya hai aur you know give me an opportunity to do more work. So definitely like you know this is one of the films I'm proud of and it's something I can talk about. I can say ki maine union leader ki hui hai and you know so it's a foot in the door definitely. Thank you so much and wish all the best for them. Thank you so much. Yeah.